दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर उमर, रियाज और नेहा बसे इन दोनों ही मिलकर करण कुंद्रा के जमकर मजे लूटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि वो करण के साथ उनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं और उनका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि उमर, रियाज और नेहा बसे इन करण को ये कह रहे थे कि वैसे तो तू करण अपनी डांसो पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है और लोग भी तेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं कि करण कुंद्रा एक बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी है, 6 फीट का इंसान है, हट्टा कट्टा इंसान है और इससे तो कोई पंगा लेना नहीं चाहेगा। लेकिन जब तेजस्वी तेरे सामने आती है ना, तब तू एक नंबर का भीगी बिल्ली बन जाता है। आखिर इतनी तेरी फटती क्यों है उस लड़की से? ये सुनने के बाद दोस्तों करण कहीं ना कहीं थोड़े बहुत शर्मा गए थे और कहा था कि यार जाहिर सी बात है कि इतनी धाकड़ है वो लड़की कि उससे तो हर किसी की फट जाएगी, यानी कि उससे तो हर कोई डरना चाहेगा, फिर उसके आगे मैं तो चीज ही क्या हूँ। ये सुनकर दोस्तों नेहा वसीन और उमर रियाज दोनों को हंसी आ गई। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद भी ये दोनों कंटेस्टेंट करण कुंद्रा की जमकर मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सच में यार तू उससे बहुत डरता है और उसके सामने जब वो आती है ना तेरे सामने, तब तू भीगी बिल्ली की तरह एक्टिंग करने लग जाता है। वैसे तो तू किसी से जब बात करते रहता है तब बहुत कड़क आवाज आती है तेरी, लेकिन जब एक बार तेजा तेरे को आवाज लगा देती है तब तू भीगी बिल्ली की तरह इतने प्यार से बोलता है ना कि मेरे को तो देखने में ही काफी मजा आता है। ये लाइन है दोस्तों नेहा वसीन के मुंह से सुनने के बाद में कहीं ना कहीं करण कुंद्रा को भी काफी हंसी आ गई। कुल मिलाकर दोस्तों इस समय घर के अंदर माहौल काफी अच्छा है, लेकिन दोस्तों ये माहौल ज्यादा देर तक अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आज एक और कंटेस्टेंट का घर से बेघर होना बिल्कुल तय है और घर वाले जो इतनी चमक धमक के साथ तैयार हो रहे हैं उनकी ये चमक धमक 2 मिनट में ही बिग बॉस के द्वारा शांत कर दी जाएगी, क्योंकि जनता के द्वारा बॉटम 5 कंटेस्टेंट में से किसी एक का घर से बेघर होना बिल्कुल तय है। जनता वोटिंग के आधार पर एक कंटेस्टेंट को घर से बाहर कर देगी। फिलहाल दोस्तों आपको इनकी मस्ती कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।